बरेली में वोट डालने के लिए पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और इस दौरान यूपी के राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी उनके साथ मौजूद रहे। संतोष गंगवार ने किया बीजेपी की जीत का दावा। बीजेपी प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं लोग, ये उन्होंने कहा है। बरेली में जिला पंचायत पोलिंग बूथ पर वोट करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इस दौरान संतोष गंगवार ने कहा कि सभी लोग बीजेपी के पक्ष में हैं और बीजेपी के प्रत्याशी को ही जिताना चाहते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी के प्रत्याशी की ही जीत होगी। लोकतंत्रीय व्यवस्था के जो हिस्से हैं उसमें सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो विधान परिषद में सदस्य चुनते हैं, उसकी प्रक्रिया का यहाँ पर स्वरूप चल रहा है। और हमें अच्छा लग रहा है कि आज हम कल दिन भर यहाँ पर घूमते रहे कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। और लगता ये है कि एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह के पक्ष में होने जा रहा है। और कल दिन भर कई स्थानों पर जाने के बाद मैंने महसूस करा सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना चाहते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्था के जो हिस्से हैं उसमें सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो विधान परिषद में सदस्य चुनते हैं उसकी। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी मतदान किया। मतदान के बाद बीजेपी की प्रचंड जीत का उन्होंने दावा किया। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी, ये उन्होंने कहा है। और आपको बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि वोटिंग के लिए पहुंची हुई थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रचंड जीत होगी, ये उन्होंने दावा किया है। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और इतिहास बनेगा। और मैं अभी सुबह चर्चा कर रही थी कि निर्विरोध होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई सामने वाला लड़ रहा उसको परास्त करके विजयी होना बहुत बड़े गर्व की बात है। और हमारे अविनाश जी एक फतेहपुर के लिए नहीं, पूरी एमएलसी की जो सीट है उसके लिए बहुत अच्छे व्यक्ति साबित होंगे, क्योंकि अविनाश जी का जो स्वभाव है, काम करने का तरीका है, मैं बहुत बचपन से जानती हूँ और एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले व्यक्ति हैं। और मुझे लग रहा है कि पहली बार जो वोटर वोट दे रहे हैं उनको एहसास होगा कि किसी को हमने एमएलसी बनाया है, और फतेहपुर वाले लोगों को भी एहसास होगा कि पहली बार कोई एमएलसी यहाँ से चुन के जा रहा है फतेहपुर के लिए। मेरे सहयोगी के रूप में जनपद के विकास में उनकी सहभागिता रहेगी और मुझे लग रहा है मेरे से ज़्यादा इनको लखनऊ में रहना है, तो जो भी लखनऊ के काम होंगे आपके माध्यम से बहुत होंगे। विपक्ष बहुत गदगद है, विधानसभा सीटें बढ़ी हैं सपा की, उसको लेकर कि लगातार जो है वो कांटे की टक्कर देगा, क्या लगता है? विपक्ष तो कह रहा था 300-400 सीटें हम जीतेंगे विधानसभा के समय पर, क्या हुआ? जनता स्वयं देख रही है। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी है। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी मतदान किया है। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी मतदान किया है। तो आपको बता दें कि यूपी में जो है एमएलसी चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मतदान किया, यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी मतदान किया है और लगातार 8 बजे से जो है वोटिंग जारी है और वोट जो है वो लगातार 8 बजे से पड़ रहे हैं और आज शाम तक ये वोट पड़ते रहेंगे। और अमेठी की भी बता दें आपको, अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मतदान किया है। स्मृति ईरानी ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है। बूथ के बाहर रुककर लोगों का हालचाल भी उन्होंने जाना है। तो स्मृति ईरानी भी हैं जो है वो वोट के लिए पहुंची हुई थी यहाँ पर, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। बूथ के बाहर वो रुकी और उन्होंने लोगों का हालचाल भी जाना। तो आपको बता दें कि लगातार वोटिंग जो है वो जारी है और लगातार आपको सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोट डाले जा रहे हैं, किस तरह से
तो आप बता दें कि यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है और तमाम जो नेता हैं वो वोट के लिए पहुंच रहे हैं और पूरी खबर आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के चरधावल से विधायक जो हैं पंकज मलिक, उन्होंने भी मतदान किया है। मीरापुर से विधायक चंदन चौहान ने मतदान किया है। लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। विधायक जो हैं वो लगातार वोट के लिए पहुंच रहे हैं, सांसद लगातार वोट के लिए पहुंच रहे हैं। एमएलसी चुनाव के लिए लगातार मतदान जो है वो जारी है। आपको बता दें कि यूपी में जो है वोट डाला जा रहा है और उसके लिए लगातार मतदान जारी है। आपको लगातार खबरें बता रहे हैं। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में 27% अभी तक वोट डाला जा चुका है और मेरठ में 20.568% वोट जो है डाला जा चुका है। उत्साह का माहौल है, अंदर जाके एक अच्छी बात लगी कि बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और इस लोकतंत्र के पर्व में जो हर 5 साल में आता है, इस चुनाव के अंदर भी भारी उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं और हमें पूरी आशा है ये मतदान गठबंधन प्रत्याशी आरिफ जी को जीत की ओर ले जाएगा। देखिए जिस तरह की परिस्थितियां थी और दबाव और सरकार का प्रेशर सब चीज़ थी, उसके बावजूद हमें उम्मीद है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस पर्व पे समाजवादी पार्टी गठबंधन कहीं ना कहीं अधिक चीज से ऊपर रहे। देखिए लगातार हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं एमएलसी चुनाव की। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, फहीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से और इसके अलावा अतुल शर्मा मेरठ से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अतुल का रुख करेंगे। अतुल, मेरठ का क्या हाल है? मेरठ में कितनी वोटिंग हुई है अभी तक और कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं वोटिंग के लिए? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह, मेरठ विधान परिषद की बात की जाए तो यहाँ पर जोर तोर से वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी मेरे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, चुनाव को लेकर के, विधान परिषद का चुनाव है, चुनाव को लेकर के कितनी तैयारियों के साथ आप मैदान में उतरे? हम पूरी 100% तैयारियों के साथ मैदान में उतरे हैं और हमारे संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत फिर दोबारा से रंग लाएगी और आप सबको देखने को मिलेगा। 12 तारीख को नतीजे फिर वही होने वाले हैं जो अभी आपने थोड़े दिन पहले देखे हैं। 36 की 36 सीटें हमारी झोली में आने वाली हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। देखिए 1990 के बाद इतिहास रिपीट हुआ है कि दोबारा सरकार 2022 में बनी है भाजपा की, और विधान परिषद की बात की जाए तो क्या मानते हैं अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ आपके सदस्य पहुंच पाएंगे? जैसे आप सभी को पता है कि हम बुलडोजर पर बैठ के चल रहे हैं तो जितने भी रिकॉर्ड है तोड़ेंगे ही, जो बुलडोजर पर बैठा है वो तो सब कुछ तोड़ने आए तो तोड़ के ही जाएंगे, आप देखते रहिए। बिल्डोजर बाबा के नाम से योगी जी मशहूर हैं, आप भी बिल्डोजर का नाम ले रहे हैं तो क्या मानते हैं चुनाव में बिल्डोजर का काफी जो रोमांचक रहा है चुनाव में भी, आप विधानसभा के चुनाव में भी बिल्डोजर बाबा की जय बोली है और विधान परिषद की बात की जाए तो क्या असर देखने को मिलेगा बुलडोजर का? मुझे लगता है आप भी बुलडोजर को प्यार करने लगे हैं जब भी बार बार बुलडोजर का नाम लेते हैं। बुलडोजर कोई गलत चीज नहीं है, बुलडोजर सिर्फ उनके लिए बनाया गया है जो कि समाज में गलत कार्य कर रहे हैं और जो समाज को कुछ मान नहीं रहे थे उनको भी किसी चीज का खौफ होना चाहिए और गलत कार्य इस सरकार में सहन नहीं किए जाएंगे। तो जो गलत होगा, चाहे मैं भी गलत हूँ, उसको गलत दृष्टि से देखा जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। मेरठ की जिम्मेदारी की बात की जाए तो हर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है, आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तो आपको भी जिम्मेदारी दी गई थी, तो क्या मानते हैं कितनी जिम्मेदारी के साथ आपके यहाँ पर जो सदस्य है, प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, वोट डालने के लिए पहुंचे? मैं सिर्फ अपने सदस्यों की बात नहीं करूंगा, मेरठ जिले में 1762 वोट हैं और जिसमें लगभग 1500 वोट का पोलिंग हम अनुमान कर रहे हैं और ज्यादा ना बोलते हुए 1400 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे, ये हमारा दावा है और विश्वास है। विधान परिषद में बैठने के बाद क्या विकास की रफ्तार तेज होगी? ऑब्वियसली ये तो जब हम सत्ता में बैठते हैं और एक बहुमत के साथ बैठते हैं और सबका विश्वास लेके बैठते हैं तो कार्य करने में भी मजा आता है और विकास बहुत तेजी से होता है। आप जिला पंचायत अध्यक्ष, अगर मेरठ के विकास की बात की जाए तो किस तरह से, कितनी गति पर चल रहा है? मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि हम महानगर में खड़े हैं, अगर आप मेरे साथ गांव कस्बे में चले तो गांव की जनता आपको खुद बताएगी विकास किस गति से चल रहा है। तो देखिए पूजा, ये थे हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गांव की जनता ही बताएगी किस तरह से विकास। जी, और एक बार अब फहीम का भी रुख करेंगे, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, लगातार सभी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और खासा टक्कर जो देखने को मिल रही है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। हालांकि ये दोनों पार्टियां भी लगातार यही कह रही हैं कि हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, आप बताइए आप किस तरह की टक्कर देख पा रहे हैं वहां पर, क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी बाजी मार जाएगी? बिल्कुल, 4880 वोट दोनों जिलों के अंदर है, रामपुर और बरेली के अंदर, जिसमें 1768 वोट
रामपुर में है, रामपुर चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है और आजम खान चूंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है और वो लगातार यहाँ से 3 विधानसभाओं में चुनाव दूसरी बार से भी जीतते रहे हैं। तो जिस तरह से रामपुर के मुकाबले की अगर मैं बात करता हूँ आकांक्षा, तो यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है। कड़ा इसलिए भी है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और भाजपा यहाँ बहुत बुरी कंडीशन में थी, 2 सीटों को बड़ी मुश्किल से वो बचा पाई है, वो भी 300 वोटों से। तो रामपुर का जो मुकाबला है वो दिलचस्प है। रामपुर के अंदर 7 बूथों पे 1768 वोटों को डाला जा रहा है, 7 बूथ जिसमें 6 ब्लॉकों के अंदर बूथों को बनाया गया है, जिसमें खासतौर से जो बूथ चमरौवा विधानसभा की बूथ है ब्लॉक चमरौवा की, वहां बलदेव सिंह ओलख ने अपना वोट डालने के बाद जीत का दावा किया है। अब ये तो थोड़ी देर के बाद ही पता लगेगा कि जीत का सेहरा किसके सिर सकता है, लेकिन रामपुर की अगर मैं बात करता हूं तो कुंवर महाराज सिंह और मशकूर अहमद मुन्ना की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जैसा कि अंदाजा था कि भाजपा जहां जैसे कि और जगहों पर देखा जा रहा है कि वहां मुकाबला ज्यादा कड़ा नहीं है और भाजपा बड़ी आसानी से कुछ सीटें जीतती नजर आ रही है, लेकिन आकांक्षा रामपुर के अंदर इस मामले को थोड़ा सा दूसरे तस्वीर से देखेंगे तो रामपुर में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये कड़ा मुकाबला तब देखने को मिल रहा है जब अभी सरकार बनी है और सरकार की कार्रवाई अभी बड़ी तेज है और कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष के लोग भी, मैंने देखा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, खुले मंच पे भाजपा के एमएलसी को वोट देने की बात कर रहे हैं, तो जो और पार्टियों के लोग हैं वो भी भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है और भरपूर मुकाबले के अंदर देखी जा रही है। अब्दुल्ला आजम खान चूंकि बुरस्वार विधानसभा से विधायक हैं तो यहाँ भी मुकाबला बहुत कड़ा है। रामपुर विधानसभा और चमरौवा विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो यहाँ भी मुकाबला बहुत कड़ा है, मुकाबला जो है बहुत कड़ा हो रहा है। और इसके अंदर एक चीज ये भी देखने को मिल रही है कि हर पोर्ट पे बड़े तरीके के साथ उस वोट को, कड़ी मशक्कत के साथ उस वोट को डलवाया जा रहा है और ये ध्यान दिया जा रहा है कि ये वोट हमें मिले। हालांकि जीत का दावा भाजपा कर रही है लेकिन मुकाबला समाजवादी पार्टी कर रही है और कड़ा जवाब दे रही है, ये अपने आप में देखने वाली बात है क्योंकि रामपुर हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी से इस सीट को छीनने में क्या भाजपा कामयाब हो पाएगी, ये आकांक्षा देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी से ही एमएलसी थे घनश्याम लोधी जो इससे पहले एमएलसी थे और उनके टिकट को आजम खान ने हेलीकॉप्टर से 2 घंटे के अंदर लखनऊ से मंगाया था और उसके बाद उनका पर्चा भरवाने के बाद उनको एमएलसी बनवाया था। तो पिछला जो एमएलसी का कार्यकाल था वो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा और जीता और इस बार फिर आजम खान ने इस वक्त जो है मशकूर अहमद मुन्ना जो बहुत ही वफादार समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, आजम खान के करीबी हैं, उन पे दाव लगाया है क्योंकि वो तुर्क बिरादरी से आते हैं और तुर्क बिरादरी बहुल क्षेत्र है रामपुर जिला। तो जिस तरह से समीकरण बनाए गए हैं उसको देखते हुए लगता है कि समाजवादी पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि कड़े मुकाबले में जीत हासिल करे क्योंकि इससे पहले भी वो ये सीट को जीत चुकी है। तो आजम खान के नाम से, समाजवादी पार्टी के नाम से इस वक्त रामपुर में वोटिंग चल रही है और घमासान देखने को मिल रहा है। मतलब मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, एक तरफ जो है अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है और दूसरी तरफ बीजेपी वहां पर लगातार ये दिखाना चाह रही है कि बीजेपी ने अभी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है और बीजेपी इस बार ये प्रूफ करना चाहती है कि बीजेपी यहां पर भी पीछे नहीं होगी। और एक बार फिर मेरठ का रुख करेंगे, मेरठ से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार, उनका भी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता लेकिन अभी उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है, आपसे ही बातचीत करेंगे। तो मुकाबला जो है वो लगातार वो कड़ा देखने को मिल रहा है दोनों पार्टियों के बीच और ये दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात होगी कि जीत आखिर किसकी होती है, आखिर में किसके हाथ पर ये जो है एमएलसी चुनाव की जीत दर्ज का खिताब किसको मिलने वाला है। जी आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर जो मुकाबला है वो वाकई में बहुत कड़ा है। इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष से लेके और निचले स्तर तक जितने कार्यकर्ता, नेता, प्रभारी, मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए जो हैं, उनको लगाया हुआ है। एक बहुत भारी भरकम फौज जो है समाजवादी पार्टी के मुकाबले में उस सीट को जीतने के लिए भाजपा ने लगाई है। कई मंत्रियों ने यहाँ का दौरा किया है और यहाँ जो खासतौर से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं भाजपा ने उनको भी उतारा है। तो यहाँ जो
मशक्कत है भाजपा की वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और गांव गांव जाके जिस तरह से भाजपा ने प्रचार किया है और बहुत बड़ा एक कैंपेन किया है, तो ये बिल्कुल इस तरह से जैसे विधानसभा में डोर टू डोर जाके कैंपेन करते हैं, इस तरह से भाजपा को मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि भाजपा को अपनी लाज भी बचानी है और अपना वर्चस्व भी दिखाना है। क्योंकि रामपुर जो है, अगर वो जीत जाते हैं, रामपुर बरेली जो ये MLC सीट है, तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि रामपुर सीट का जीतना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि रामपुर आजम खां के नाम से जाना जाता है, रामपुर समाजवादी पार्टी के नाम से जाना जाता है। रामपुर आजम खां के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि आजम खां ने समाजवादी पार्टी को 45 साल सींचा है, वो 10 बार यहां से विधायक रहे हैं, उनके बेटे 2 बार विधायक हो गए। तो जिस तरह से रामपुर के अंदर भाजपा ने उनको पटखनी देने के लिए, उनको हराने के लिए, पराजित करने के लिए मेहनत की है, उसको देख के लगता है कि भाजपा बाजी मार सकती है। लेकिन ये तो अभी कहना मुश्किल होगा कि किसके सिर से रह सकता है, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने तैयारी की है आकांक्षा, उस हिसाब से बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि निर्णायक चुनाव है तो नतीजे भी चौंकाने वाले होंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, मंत्रियों ने यहाँ मेहनत की है, उसको देख के ही लगा कि मुकाबला कड़ा होगा। और आज वाकई में समाजवादी पार्टी टक्कर तो दे रही है, लेकिन मुकाबला कड़ा होता दिखाई दे रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी चूंकि रामपुर से ही आते हैं, केंद्रीय मंत्री है, लेकिन वो यहाँ वोट नहीं कर पाएंगे, झारखंड से उनका वोट आता है। तो जो राज्य मंत्री है बलदेव सिंह ओलक, उन्होंने वोट डाले। जी फहीम आप सही कह रहे हैं कि मुकाबला एकदम कड़ा यहाँ पर बना हुआ है। और हमारे साथ अब मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता सचिन चौधरी भी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। सचिन, मुजफ्फरनगर में किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है, कौन सी पार्टी लग रहा है कि बाजी मारेगी? मुजफ्फरनगर में 5 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की वंदना वर्मा है और समाजवादी पार्टी से आरिफ डोला है, जो दोनों मुख्य पार्टी है। लेकिन वंदना वर्मा का पूरी तरह से पलटा भारी दिखाई दे रहा है और जबरदस्त उत्साह भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और मतदाता है। जी, तो लगातार जो मुकाबला है वो कड़ा देखने को मिल रहा है। और इसी बीच बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य है, प्रधान जानता है कि हमारा केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं से हम अपने गांव का विकास कर सकते हैं। तो प्रधान की तो एक तरह से जो जनता की अपेक्षाएँ हैं, जनता की कसौटी पे है, उसको पूरा करने का योजनाओं का जो बजट है वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार देती है। तो इसलिए उत्साह है। आप देख रहे हैं कि 9 लोग तो निर्विरोध हो गए थे, आज 27 लोगों का चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है इसमें 100% न केवल सिद्धार्थनगर बस्ती संत कबीर नगर के श्री सुभाष यदवंश जी जीतेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश की इस 2700 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। इसलिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आज उनकी एक नए भारत के निर्माण में उनका फोकस गांव है और गांव की योजनाओं पे कि सबको आवास मिले। आज भी आपने प्रधानमंत्री का देखा होगा वक्तव्य कि हमने प्रधानमंत्री आवास में एक पड़ाव हासिल किया है। उनका संकल्प है कि जब तक सबके सर पे पक्की छत न हो जाए, घर में शौचालय न हो, सौभाग्य से बिजली का कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो। आप देखिए कि 6 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती से लेकर के 20 तारीख तक केंद्र सरकार ने और हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने सामाजिक तो जगदंबिका पाल को आप सुन रहे थे, जहां पर वो बीजेपी की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे लखनऊ बीटेक BKT से विधायक योगेश शुक्ला जो है, उन्होंने मतदान किया है, उनसे भी खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, क्या कुछ कहा सुनिए। लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय के मतदान बूथ पर अभी लखनऊ BKT से विधायक योगेश शुक्ला ने मतदान किया है। उनसे हम पूछते हैं, विधायक जी, जिस तरीके से मतदान चल रहा है, विधानसभा में बहुमत आ गया, माना जाए कि विधान परिषद में भी? हाँ, 36 सीटें हैं, सभी सीटें 9 हम निर्विरोध जीत चुके हैं और 27 सीटों पर मतदान हो रहा है, सभी सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। 2016 में जब चुनाव हुआ था तो सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 36 में से 31 सीटें थी, उस बार बीजेपी की कितनी? 36 में 36, माना जाए 36 में 36 सीटें ला रहे हैं आप? निश्चित तौर पे, मतदाता हमारे साथ हैं।
विधानसभा में आपका बहुमत है, विधान परिषद में भी बहुमत होने जा रहा है, क्या अब रणनीति होगी? क्योंकि अब तो कोई चीज आपके लिए टोक रहेगी नहीं। विधानसभा में हम जो भी गरीबों की योजनाएं थी, मध्यम वर्ग की योजनाएं थी, उनको तो मैं पास करवा लेते थे, लेकिन जब विधान परिषद के पटल में वही जो प्रस्ताव जाते थे तो उसमें समाजवादी पार्टी अवरोध उत्पन्न करती थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीयत गरीबों के खिलाफ है, मध्यम वर्ग के खिलाफ है। लेकिन अब ये स्थितियाँ नहीं रहेंगी, अब हम पूर्ण बहुमत के साथ रहेंगे, तो जिससे कि गरीबों की योजनाएँ भी लागू होने में मुझे सहूलियत होगी हम लोगों को। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। ये हैं लखनऊ बीकेटी से विधायक योगेश शुक्ला, जो वोट करके बाहर आए हैं और कह रहे हैं कि हमारी कोशिश होगी कि जिन योजनाओं पर विधान परिषद में बहुमत न होने के चलते हम चीजों को पास नहीं करा पाते थे, अब वो भी पास होंगी और गरीबों का काम होगा। कैमरामैन रघुनाथ सोनी के साथ मैं इसके बाद न्यूज़ ऑन इंडिया लखनऊ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।